अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पनवेल की शिवाजी चौक पर सज रही अश्वारूढ़ सैनिकों की प्रतिमाएं, परेश ठाकुर की मांग पर ऐतिहासिक पहचान दिलाने हो रहा ब्यूटिफिकेशन। रायगढ़ के प्राचीन शहर पनवेल को ऐतिहासिक पहचान देने शिवाजी चौक का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। सभागृह नेता परेश ठाकुर की मांग पर पनवेल मनपा यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ 4 अश्वारूढ़ सैनिकों और 2 हाथियों पर सवार सैनिकों की प्रतिमाएं लगवा रही है। भाजपा युवा नेता परेश ठाकुर ने कहा कि पनवेल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दर्शनीय हो, इसलिए हमने चेंबूर की तरह शिवाजी चौक के सुशोभीकरण की मांग की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अनूठे वास्तुशिल्प से पनवेल की ऐतिहासिक पहचान बनेगी, साथ ही पर्यटकों का भी आकर्षण बढ़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 350 साल पहले हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को सिना तान के जीने के लिए उन्होंने सिखाया। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव हो, या सिर्फ सर्वधर्म समभाव नहीं तो यहाँ पे उनके लिए मर मिटने वाले ऐसे लोग, तो उन्होंने भी ये सोचा नहीं कि ये राजा कौन से धर्म से है, कौन से जात से है। यहाँ पे राजा ने सबको लोगों के अंदर जाके उनको वहाँ पे फिर उनको खेती करने के यहाँ पे करने के लिए अवसर दिए, यहाँ पे खुद मतलब चलो सीधा तान के जीने के लिए अवसर दिए। तो ऐसा राजा इनका हमारे पनवेल में स्मारक था। तो ये स्मारक हम जब जब मुंबई जाते हैं तो जाते वक्त चेंबूर में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया लेवल का वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा है, वहाँ पे उन्होंने पुतला उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जहाँ पे पुराने तरीके के दीवार होते हैं तो इस तरीके के उन्होंने दिए हुए थे। तो इसी तरीके का एक स्मारक शिवाजी महाराज का ऐसा पुतला ये पनवेल में हो, इसके लिए हमने म्यूनसिपालिटी से उसे हमने 3 साल पहले हमने डिमांड की थी। और जब मतलब चुन के आए तभी सबसे पहला डिमांड हमारा यही था कि शिवाजी महाराज का यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ऐसा मतलब यहाँ पे पुतला होना चाहिए। जिस तरीके का वहाँ पे माहौल था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवाजी महाराज से प्रेरणा लोगों ने लेना चाहिए, ना कि शिवाजी महाराज का पुतला कैसे किस तरीके से वहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, इसके लिए कोई आके वहाँ पे खुद के आंसू ढाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा प्रेरणा लेना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं रहा था। इसके लिए हमने उस टाइम से डिमांड किया हुआ था। और हमारे आयुक्त गणेश देशमुख, हमारे जो इसके पहले जो कमिश्नर साहब थे, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ में उन्होंने खुद दिल से उन्होंने इसकी पहल की और बहुत सारी कोशिश की, और उसकी वजह से आज एक अच्छी तरीके का एक ऐसा यहाँ पे पुतला खड़े होते हुए और दिख रहा है, जिससे यहाँ पे लोग प्रेरणा ले, जिससे यहाँ पे फिर मतलब कोई भी त्यौहार हो तो त्यौहार के दिन शिवाजी महाराज के पास आके उनके चरणों में खुद को मतलब वहाँ पे पुष्पांजलि यहाँ पे अर्पण करे, ऐसी सबकी इच्छा हो, इस तरीके का एक यहाँ पे पुतला खड़ा हो रहा है। और उसके साथ में ही पनवेल महानगर पालिका का नाम ये बड़ा हो कि यहाँ पनवेल महानगर पालिका इस तरीके का इतना भव्य, इतना सुंदर ऐसा शिल्प यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है, इस ऐसा सब जगह पे नाम हो, इस तरीके इस क्वालिटी का यहाँ पे ये शिल्प यहाँ पे खड़ा हो रहा है। और उसके साथ में ही आज पनवेल में लोग आते हैं तो पनवेल में देखने के जैसा क्या है, ऐसा होता है तो फिर वो पनवेल होगा, कामोटा होगा, खारघर होगा, सब जगह पे यही चीज़ होती है। तो इसके लिए हमने एक उत्कृष्ट ऐसे मतलब चलो दर्जा इसका रहे, ऐसा ही हमने यहाँ पे प्रयत्न किया हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित शिवाजी चौक पर 1,42,56,000 के खर्च पर यह ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। यहाँ 5.5 फुट के 4 अश्वारूढ़ सैनिक एवं हाथियों पर सवार महावतों की प्रतिमाओं के चारों ओर पत्थरों के बुर्ज निर्मित किए जा रहे हैं, जो किले की झलक देते हैं। युवा नेता परेश ठाकुर ने कहा कि जल्द ही खारघर के पांडुकड़ा को भी पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। सलाहकार की रिपोर्ट आ चुकी है,
उन्होंने उम्मीद जताई कि पांडवगढ़ पर्यटन स्थल बनेगा जो पनवेल के विकास एवं समृद्धि का परिचायक बनेगा। हम पनवेल महानगर पालिका में बाकी जगह पे भी मतलब जैसे चलो खारगर होगा, खारगर में भी अपना जो फॉल है पांडवकड़ा, तो पांडवकड़ा भी उसी तरीके का उतना ही सुंदर ऐसा शिल्प वहाँ पे सब कुछ हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पे पर्यटक आए, पर्यटन बढ़े और उसके साथ में ही पनवेल का नाम हो और उसके साथ में ही और यहाँ पे पनवेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो कंक्रीट के रोड्स होंगे, उसके साथ में ही यहाँ पे फिर पानी बह के लेके जाने वाले नाले रहेंगे, सीवरेज सिस्टम होंगे, ये सभी अत्याधुनिक दर्जा के हो, इसके लिए हमारे विधायक जी माननीय प्रसन्न दादा ठाकुर ये कोशिश करते हैं और हम भी उनके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ पे ये पनवेल का नाम ऊंचा हो, पनवेल ये आज 21वीं सदी का शहर हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल में 4 इलेक्शन आके गए और उसकी वजह से हर बार कोई ना कोई चीज़ के लिए वजह से चीज़ें आगे आगे जा रही थी, पर हमने यहाँ पे कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए हमने डिमांड की थी, वो मंजूर भी हो गई और बहुत जल्दी वहाँ पे कंसल्टेंट आके फिर वहाँ पे फिर ये खारगर का जो एरिया, खारगर पांडवकड़ा का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरती से डेवलप होते हुए आपको दिखेगा। इसके साथ में और एक मैं बता सकता हूँ कि बल्लालेश्वर मंदिर ये भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे हो रहा है, उसका 12 करोड़ रुपया का टेंडर निकाल के वहाँ पे काम है, उसका 70% से ज़्यादा काम भी हुआ है और हमें एक्सपेक्टेड था कि ये जून महीने तक ख़त्म होगा, पर कोरोना के इस लॉकडाउन के पीरियड की वजह से अभी वो टाइम बढ़ाना पड़ा है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं, इस साल के नवंबर दिसंबर तक ये काम भी जल्द ही पूरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।